के प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स की जो मैंने बात करी, गूगल, आईडीएम, मेटा, उनका एक हमने सेपरेट कलेक्शन बना रखा है। और ऐसे ही हमने डिफरेंट जो जॉब रोल्स हैं, टेक्नोलॉजी, डेटा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, हेल्थ केयर, इन सारी डोमेन्स और इंडस्ट्रीज के अच्छा अंदर ये हमने उनके भी कलेक्शंस बना रखे हैं। तो आप ये मतलब स्क्रोल डाउन करके वो है। अपना मतलब का कलेक्शन जो है, आपके ओके इंटरेस्ट का कलेक्शन, वो आप देख सकते हैं और कोर्सेस पांच कर सकते हैं। सौ बट पंद्रह जो मैं रुपया आपको दे एक कैपेबिलिटी दिखाना चाहती थी वो ये पंद्रह है कि जैसे आपने पोल में आंसर किया कि हम कौन से स्किल्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं, है आपने बहुत बोला है स्किल्स में जो एस इंटरेस्टेड डी सी हैं, से डेटा टेक्नोलॉजी एनालिटिक्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो मैं डेटा उन्होंने अपना एनालिसिस लाइसेंस दे का ही दिया। एक हाँ एग्जांपल ये लेती हूँ। तो फिर अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट टाइप हाँ करूँ समझ डेटा एनालिसिस गया ना, और ये होता है ना। इसको ओके ऐसा मोरस पे एक चीज है ना, के अंदर तुसी टाइप जान कर दे रही यार है जड़ी जिसको आप रिपोर्ट हो जी एक्सप्लोर ब्लॉक कर हो जाए सकते हैं, वो बट दिस इज मतलब कि अगर मोर आप उसके के बियॉन्ड खत्म कुछ स्किल्स लर्न हो करना जुड़े चाहते हैं यार। या कुछ कोर्सेज ना मौसम कुछ ढूंढना बड़ी चाहते बड़ी हैं, तो मैं चीज है उसमें जिससे आपकी बड़ा हेल्प कर टेंशन रही हूँ होगी। कि आप कैसे फिल्टर्स यूज कर अरे सकते मोर हैं जो आपके दिमाग है लेफ्ट हैंड साइड मैं पे दिए हैं, टू उसको आप फाइंड द जल्दी से राइट जाइए कोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर लेवल, रिपोर्ट। योर इंटरेस्ट एंड समझ गया एवरीथिंग। रिपोर्टिंग सो का यहाँ पर काम अगर है आप समय देखेंगे, रिपोर्ट अगर तो आप हो शॉर्ट गई कोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो ना। आप अब तुसी ड्यूरेशन के एक हिसाब से आज फिल्टर चल कर गया एक सकते एटलीस्ट हैं। सीन लर्निंग अपना प्रोडक्ट्स एग्जाम की कटेंगे मैंने जो कुछ कि बात करी आपको है कि मिल जाए आपको वीडियोस हैं, बाहर तो आप जाए छोटी वो जाए वीडियोस देख वो तो एक सकते हैं, असल में मतलब गाइडेड जिस प्रोजेक्ट्स हिसाब देख से सकते हैं। अपना तो काम जैसे कर डेटा जिस आपके एनालिसिस सर के को अंदर दिया हैंड्स ऑन टूल जो वाली जो लर्निंग होती है वो असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे गाइडेड दिया या प्रोजेक्ट्स का फिल्टर पार्टिकुलर क्लिक कर देती हूँ, हाँ तो आप देख पार्टिकुलर सकते उन्होंने हैं और कि ही लेना। कितने वो देखो सारे फेसबुक प्रोजेक्ट्स अलग ही आ उसका एक रहे हैं, सिस्टम होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऐसा एक्सेल नहीं यूज चीज है आपने उसमें करके, नहीं पाइथन पारी प्रोग्रामिंग यूज लड़ा करके, करके ना पाइथन में या कोई नेगेटिव चीजा वो पब्लिक कर करता हो देगी। या हाँ जो हाँ उस तरह से ऑप्शन है डायरेक्ट जितने लोग मतलब रिपोर्ट एक माना भी पांडास रिपोर्ट करे ना और फेसबुक देखी नक्स हो देख कंटेंट सकते नहीं हैं, ठीक ना वो और कभी आप उड़ा और सकते अगर हैं। फिल्टर मैं डालना जितना चाहें तो ज्यादा आप लेवल के अपडेट हिसाब उनको से भी फोकस फिल्टर कर सकते हैं इस रिपोर्ट चीज को, और लैंग्वेज कंटेंट के हिसाब से एडिटिंग भी आप करके इस चलो जी चीज ये को कोई फिल्टर कोई कर सकते हैं। धनी पर फुसी मेन जो ऐसा नहीं फिल्टर्स होता आपके हाँ काम समझ गया आएंगे वो हाँ है मोदी जी ने सब्जेक्ट, इंडिया वाला सा बोला स्किल्स, ही है लेवल और जो इंडिया वाले टाइप बुरा ऑफ नहीं बोला लर्निंग जैसे प्रोडक्ट है। देखो तो बताया ये जो हाँ मैं फिल्टर्स समझ हैं आप गया इनको यूज क्योंकि मेरे करके को राइट खैर मेरे को कोर्सेज लगा को था सर्च कर हाँ सकते और हैं, उसी बच्चा एंड बोला हाँ बिफोर बोला हैंडिंग खराब ओवर होने इट समझ ओवर टू जितने भी निधि, रिपोर्ट आई आ वुड रहा जस्ट बहुत लाइक टू से कि अच्छा कोर्सेरा अच्छा बहुत मतलब लग रहा बहुत सारे कोर्सेज हैं कोर्सेरा पे, तो सही और मैं आपको तो कुछ सही कुछ है एरियाज इस के अंदर चीज से पता है कि बोला हम और ये भी कोर्सेज कर सकते हैं, ये ढूंढ देखो सकते हैं ना या नहीं, बट क्योंकि वर्ल्ड इंडस्ट्री की क्वालिटी के नॉलेज होना भी डिफरेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज तो है जैसे बात मैंने है इमर्जिंग तो सही है टेक्नोलॉजीज की सिंपल बात चीज है करी, ऐसा नहीं आप ऐसी सिंपल नॉलेज को चीज है जानने ऐसा के लिए मैं फेसबुक पे एक चैट में ऐसी अभी शेयर भी ना कैंपस फेसबुक स्किल्स रिपोर्ट जिसका मैंने जिक्र किया वो था, उस मैं फेसबुक वो कैंपस स्किल्स वो भी है रिपोर्ट आपके गूगल पे साथ कोई शेयर भी चीज करूंगी। है उस आपको क्राइटेरिया पूरी ना रिपोर्ट तो पढ़ने की सो जरूरत जिन शायद नहीं भी है, सामने वीडियो अगर आनी आपके पोस्ट पास आनी टाइम वो ज्यादा शायद नहीं है, इसी जिस आप क्या पोस्ट कर आने सकते हैं पास उसके है अंदर, किस आप तरह जो पता मैंने ऑन तो सी डोमेन्स आई का ना एक मिसाल लिस्ट है दिखाया तुसी था, आई हो फेसबुक की आर्ट्स एंड वीडियोस पे ह्यूमैनिटीज, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस तुसा ना पाथवे और इंटरेस्ट ऐसे कुकिंग पाथवे, होते तो आप ठीक है रिपोर्ट के तुसी पहले अंदर मिसाल सर्च अपनी कर दो डोमेन कुकिंग के की हिसाब वीडियोस से वो कहाँ पाथवे दूसरा ढूंढ कुकिंग की सकते हैं, वीडियोस आने और लग आपको पैसे पता चल जाएगा कि एक आध मेरे मिसाल डोमेन है में तुसी मुझे आज ये उनकी स्किल वीडियो सीखना ठीक है बहुत ही तो उसमें जरूरी है, स्किप तो आप मारो वहां मारो से क्रास एक मारो स्टार्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट तो मारो आपको मैं फिर मुड़ सबको के ऑल ना द सी बेस्ट विश फिर करती आनी हूँ, फिर हैप्पी दो लर्निंग चार बारी ऑन कथों ना कोर्सेरा कुछ ऐसा नहीं हो एंड कि नहीं निधि, आनी ओवर टू यू। मगर वो रोला कितों दे मेनी रोला थैंक्स कितों ना मतलब सुतोषी, निकलने की थैंक यू चास्की सो नहीं मच होना फॉर ना द सेशन, समझो आई सी एक बात अबाउट बता द निकलने की आई थिंक चास्की वी हैव मतलब एग्जाम आंसर्ड थ्री मारो हंड्रेड कुछ चीजों को क्वेश्चंस, जवाब बट दे देर आर हाँ स्टिल मोर देन वो फाइव तुसा हंड्रेड निकलने की चास क्वेश्चंस की विच आर एक लग ओपन, तुसा मार रहे हैं ना सो सोते मे बी वो राम्या तुसा फिर हमजा, भेजती इफ देर बस आर बस सम बस बस कॉमन भेजती क्वेश्चंस दैट यू वांट तुसा टू ये ब्रिंग पुलिस अप, स्टेशन आई चलो कैन ये तो मे बी जिस फील्ड हेल्प में आंसर दोज इन द हाँ नेक्स्ट ये 10 होना देखो मिनट्स। चीज बने दे ऑटोमेटिक निधि, आई थिंक सिस्टम वन कॉमन पैटर्न इज मतलब देयर बोलो आस्किंग कुछ फॉर स्पेसिफिक हाँ टॉपिक्स, सो इफ यू कैन शो हाउ द सर्च उधर फंक्शनैलिटी वर्क्स देन लैब्स दैट वुड बी गुड, एंड इन एडिशन वी विल आल्सो बी शेयरिंग सम ऑफ द कोर्स रिकमेंडेशंस दैट विदुषी जस्ट शोड एवरीवन, सो वी कैन शेयर दैट टू द लर्नर्स। लेकिन अगर आप सर्च फंक्शनैलिटी कैसे यूज कर रहे हैं वो दिखा रहे तो काफी लर्नर्स के सवाल के जवाब मिल जाएंगे उनको। श्योर श्योर विदुषी, डू यू वॉन्ट टू टेक दैट बिकॉज यू आर ऑन द सेम प्रोग्राम राइट? आई टेल यू कि स्टूडेंट्स कौन कौन से प्रोग्राम्स के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने लॉ के बारे में एग्जांपल्स एग्जाम्पल्स यूज यूज करके सर्च कैपेबिलिटी करके दिखा सकते हैं। या दे हैव आस्क्ड अबाउट लॉ, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, तो ये कुछ आई थिंक स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ डिफरेंट डोमेन से सर्च जुड़े हैं, एंड दे आर आस्किंग कि उनके लिए कौन से कोर्सेज है, मैथमेटिक्स। या करके ग्रेट, थैंक्स निधि, तो मैं तो बायोटेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी का एग्जांपल्स लेती हूँ। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो मैंने जैसे ही बायोटेक्नोलॉजी सर्च बार में टाइप करा है, आप उसके अंदर ये सलामकुम कोर्सेज देख मैम सकते एक्चुअली हैं। मेरा अगर हम एक सीधा सिर्फ क्वेश्चन था कोर्सेज के आपसे ऊपर फिल्टर करें, क्योंकि इसके अंदर फाउंडेशनल नॉलेज से भी पता चल जाएगा, और हम बिगिनर लेवल पर क्लिक करते हैं,
तो आपको ये कोर्सेज दिखेंगे कि पैटेंटिंग क्या होता है, ड्रग डिस्कवरी के अंदर कोर्सेज है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कोर्सेज है, और जीनोमिक्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर मैं बिगिनर का फिल्टर हटा देती हूँ तो आप थोड़े और बेसिक कोर्सेज भी देख सकते हैं सिस्टम्स बायोलॉजी के ऊपर और एल्गी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। तो अगर मैं इस कोर्स को खोलूं तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये यूसी सैन डिएगो का कोर्स है। आपको पता चल जाएगा कि ये कितना क्या इस कोर्स के अंदर कवर्ड है। तो आप ये कोर्स डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, ये कितने लेवल का कोर्स है, ये इंस्ट्रक्टर डालते हैं यहाँ पर, और ये कितना टाइम लगेगा इस कोर्स के अंदर। ये एक एवरेज टाइम होता है जो हमने प्लेटफॉर्म पे डाला हुआ है, पर आप वीक वाइज सिलेबस भी चेक कर सकते हैं टू सी कि जो आप टॉपिक्स चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में वो क्या ये कोर्स कवर कर पा रहा है। तो जब आप एक कोर्स के कार्ड पे या कोर्स के एक पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज के बारे में। तो लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे फिल्टर्स हैं, आप ड्यूरेशन के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं, आप लर्निंग प्रोडक्ट के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। कोर्सेज का मैंने एक एग्जांपल ले लिया, गाइडेड प्रोजेक्ट्स का एग्जांपल लिया। स्पेशलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ कोर्सेज होते हैं, तो 4 से 5 कोर्सेज होंगे जो आपको डीप लर्निंग प्रोवाइड करेंगे उस स्किल के ऊपर। तो अगर आपने एक बिगिनर लेवल कोर्स कर लिया उसके आगे आप जाकर एक स्पेशलाइजेशन भी ले सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं एक्चुअली साइकोलॉजी के अंदर एक एग्जांपल लेती हूँ। साइकोलॉजी का जिसने पूछा उस साइकोलॉजी में बहुत सारे स्किल्स हैं और बहुत सारे सब डोमेन्स हैं जिसके अंदर आप कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी है, अब नॉर्मल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के कुछ कोर्सेज हैं, सोशल साइकोलॉजी के कुछ कोर्सेज हैं, और अब नॉर्मल साइकोलॉजी का जैसे मैंने एग्जांपल दिया। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये 3 कोर्स की एक स्पेशलाइजेशन है अब नॉर्मल साइकोलॉजी पे। तो आप कोर्स डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या कवर्ड है और हर कोर्स के अंदर क्या कवर्ड है। तो पहला कोर्स है इंट्रोडक्शन है अब नॉर्मल साइकोलॉजी का, फिर मेंटल इलनेस की हिस्ट्री क्या है वर्ल्ड में उसके बारे में है, और थर्ड कोर्स ज्यादा बात करता है मेंटल और फिजिकल हेल्थ बिहेवियर के ऊपर। तो ये एक सब डोमेन है साइकोलॉजी के अंदर जिसपे आप ये पूरी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और कोई एग्जाम्पल निधि जो हम ले सकते हैं? आई थिंक इसके अलावा एक तो कुछ लॉ स्टूडेंट्स ने भी पूछा है कि उनके लिए क्या कोर्सेज हैं, एंड मैथमेटिक्स इज अनदर डोमेन जहाँ पे स्टूडेंट्स जानना चाह रहे हैं कि कोर्सेरा पर कुछ कोर्सेज हैं। डेफिनेटली निधि, तो अगर हम लॉ सिर्फ लॉ टाइप करें और हम इसको और थोड़ा स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, तो आपको लॉ के अंदर बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, पैटेंट्स पे, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर कौन से लॉज आने वाले हैं इंडस्ट्री में और कौन से लॉज आ चुके हैं उस पे बहुत अच्छे कोर्सेज हैं ड्यूक यूनिवर्सिटी के फिनटेक लॉ एंड पॉलिसी के ऊपर। तो जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर लॉज हैं और लीगल स्टडीज हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और एक लीगल टूल किट का भी एक कोर्स है जो आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये येल यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है, अ लॉ स्टूडेंट्स टूल किट। इसके अंदर ये बहुत ही फंडामेंटल कोर्स है जो हर लॉ स्टूडेंट को लेना चाहिए, जिसमें इंट्रोडक्शन, कैटेगरीज और डिस्टिंक्शंस है, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आप लीगल रूल्स जो होते हैं और पॉलिसी के क्वेश्चंस होते हैं वो आप कैसे बनाएं। और फिर आता है कि आप लॉ और बाकी जो डिसिप्लिन्स है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, उनका कनेक्शन कैसे होता है। तो ये वाला भी कोर्स बहुत ही अच्छा है लॉ स्टूडेंट्स के टूलकिट पे। बट लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि आप जो भी कीवर्ड है आप उसको टाइप करें यहाँ पर, और आपको बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शंस दिखने लग जाएंगे, और आप फिर उस हिसाब से वहां पे फिल्टर कर सकते हैं। तो अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स फॉर इंजीनियर्स कोर्स है। अगर आप मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो मशीन लर्निंग में मैथमेटिक्स कैसे यूज होती है वो आप इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक कोर्स से सीख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मैथमेटिक्स के कोर्सेज के भी जो आप सर्च कैपेबिलिटी यूज करके कोर्सेरा की प्लेटफॉर्म पर ढूंढ सकते हैं। ग्रेट, थैंक्स विदुषी, आई थिंक दिस वॉज रियली हेल्पफुल। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी इससे रिलेटेड आंसर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे मैंने देखा कि क्वेश्चंस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप कोर्सेज बताइए, या फिर कुछ स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से पूछ रहे हैं, तो आप यही सर्च फंक्शनैलिटी को यूज करके अपनी फील्ड से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज ढूंढ सकते हैं।
आई होप कि मोस्टली स्टूडेंट्स को अभी ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको कोर्सेज को सर्च करना है, चाहे वो किसी भी डोमेन से हो. रम्या, आर देयर एनी अदर कॉमन क्वेश्चंस दैट यू वांट टू ब्रिंग अप? I think there are lots of questions which are related to some support on where they can seek help. So there are two types of problems the students face कर रहे हैं. एक अगर आपका invite नहीं आया या फिर program is full आया तो please जान लें कि जो 18,000 licenses थे वो सारे consume हो गए हैं. Now as and when based on the license revocation policy, HEC will send you an email on a first come first serve basis अगर licenses free हो जाए तो आप अपने emails check कर लें. और जो दूसरे problems हैं कि आप enroll नहीं कर पा रहे हो या फिर join button work नहीं कर रहा है या फिर आपने register कर लिया हो तो आप dlsei.hec.gov.pk पर जाएं. वहाँ पे support के लिए आप कैसे help seek कर सकते हैं, कैसे आप help किसको आप contact कर सकते हैं, वो information आपको मिल जाएगा. अगर आपको कोई दिक्कत हुई कोर्सेरा के कोर्स के अंदर, जैसे कि मुझे आईडी वेरिफिकेशन मेरा काम नहीं कर रहा है या फिर मैं अपने डेडलाइंस कैसे रीसेट करूं, तो आप कोर्सेरा लर्नर हेल्प सेंटर पर जा सकते हो. निधि, इफ यू कैन शो कोर्सेरा लर्नर हेल्प सेंटर, दैट वुड बी यूजफुल एज वेल. या आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दैट अप, वन सेकंड. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है सर्टिफिकेट से रिलेटेड या कोर्सेरा पर मुझे सपोर्ट कैसे मिलेगा, तो मैं वो क्लैरिफाई करना चाहती हूँ. ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल है. अब यहाँ पर अगर मैं अपनी प्रोफाइल या नेम पर क्लिक करती हूँ तो अगर मैं अकम्प्लिशमेंट सेक्शन पर जाऊंगी तो अकम्प्लिशमेंट सेक्शन में जो भी मेरे सर्टिफिकेट्स मैंने अब तक गेन किए हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं. आप ये देख सकते हैं कि यहाँ माई कोर्सेज दिखा रहा है और यहाँ पर वो सारे सर्टिफिकेट्स दिखा रहा है जो कोर्सेज मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ. और अगर आप इसके लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो सर्टिफिकेट आपके लिए ओपन हो जाएगा और आप उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं. किसी स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि क्या हम पीडीएफ फॉर्म में सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं. यस, आप डाउनलोड कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ. तो ये कोर्स एक सर्टिफिकेट एक पीडीएफ की फॉर्म में आपका डाउनलोड हो जाएगा. और मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी सर्टिफिकेट्स आप इस प्रोग्राम के तहत अर्न करेंगे वो लाइफ टाइम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे. तो July 31st तक का जो टाइम है वो टाइम आपके लिए कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए है. अगर आप उससे पहले पहले कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है तो अगर आपसे लाइसेंस वापस भी ले लिया जा रहा है तो आपका सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा. तो जो भी आपने सर्टिफिकेट्स तब तक गेन कर लिए हैं वो रहेंगे, पर जो कोर्सेज आपने कंप्लीट नहीं किए थे तो ऑफ कोर्स उसके लिए आपको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप उस कोर्स को July 31st के बाद कंटिन्यू करना चाहते हैं. तो एक ये क्वेश्चन मैं क्लैरिफाई करना चाह रही थी. और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला है कुछ कोर्सेज का, तो उसके लिए मैं ये इन्फॉर्म करना चाह रही थी कि अगर आप सेटिंग्स पर जाते हैं, अगेन अपने नेम पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर सेटिंग्स पर जाइए. सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है यहाँ पर जहाँ पे आपको अपनी आईडी को वेरीफाई करना होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. जब आप अपनी आईडी को वेरीफाई कर देते हैं, जहां पर यहाँ पर ही आपका नेम वेरिफिकेशन या आईडी वेरिफिकेशन का प्रोसेस